अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ बकराईद स्पेशल स्टेक की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देख रहे हैं, ये मैंने लिया है अंडरकट और उसको 1 इंच के पीसेस मैंने कर लिए हैं। इसको स्लाइसेस की तरह काटना है। इसको बहुत सफाई से बनाना होता है। ऊपर इसकी जो स्किन होती है उसको मैंने हाथ से ही निकाल दिया, बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। और ये स्टेक के पीसेस आप देख रहे हैं, इस पर मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि हमें असल बीफ का टेस्ट होता है इसमें और बहुत ईजीली बन जाता है, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है। ऑयल लगा लिया मैंने आगे पीछे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, फ्रेश ब्लैक पेपर ली है मैंने, इसको क्रश कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हसबे जायका। वैसे इसमें नमक नॉर्मली तौर पे कम ही जाता है क्योंकि हम जब सॉस बनाते हैं तो उसमें भी हम नमक डालते हैं। तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, दोनों ही ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दो चीज़ें होती हैं और बहुत आसानी से पक जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, इसकी ट्रिक होती है जो मैं आपको अब बताऊँगी कि किस तरीके से इसको पकाना होता है। अब हम दोबारा दूसरी तरफ हम इसको टर्न कर रहे हैं और इसी तरीके से जो मैंने पहले लगाया था ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर और नमक, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इस तरीके से लगा लेंगे। अब देख रहे हैं इसमें ज़रा सा भी रेशा नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है अंडरकट, ये बहुत आसानी से गल जाता है। इसके साथ हम चाइनीज़ भी बना सकते हैं, तो वो भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टेक करते हैं। अब आप देखें मैंने इस तरीके से दोनों साइडों से स्टेक पे मैंने ब्लैक पेपर, नमक और ऑलिव ऑयल के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। आप देखें ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये मैंने बहुत तेज़ गरम कर ली थी और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इसी फॉर्म में हम इस तरीके से हम स्टेक के पीसेस डालेंगे, हमें इसका क्रंच बनाना है और बहुत टेस्टी बनता है। अब देखें ये दूसरी साइड से मैंने इसको पलट दिया है दोनों को। अब इसी तरीके से हम सारे स्टेक्स बनाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ इसमें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बाज़ार की तरह फ्लेवर आता है और ये गल जाता है। इसे हमें कुछ ढकने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से इसका क्रंच बन गया है और इसी का फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये है हमारे पास बटर, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बटर, इसका तो टेस्ट ही लाजवाब होता है। अब इसमें थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, लहसुन की जवें हैं, वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी ताकि इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। इसी तरीके से बनाना है आपको। अब ये देखें मैं इसको टर्न कर रही हूँ और देखें इसका क्रंच कितना अच्छा बन रहा है, बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये किस तरीके से गलता है और कितना आसान है इसको बनाना। अब ये मैंने दूसरे मैंने डाल दिए हैं इसी तरीके से, इसके अंदर डाल दिए हैं, इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब चलते हैं हम सॉस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है, यहाँ पे 50 ग्राम मैंने बटर लिया है और 1 चॉप की हुई प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने लहसुन को चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अब इसके बाद मैंने डाली है क्रीम, ये 1/2 पैकेट क्रीम है, 50 ग्राम क्रीम है हमारे पास, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मगर मैंने जो चूल्हे का फ्लेम था वो मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है क्योंकि मुझे क्रीम थोड़ी हार्ड लगी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयस्टर सॉस और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीज़, थोड़ी सी ही चीज़ फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ, इसको क्रश करके डाल रही हूँ। तकरीबन 25 ग्राम मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थाइम, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत अच्छी सॉस बनके तैयार होती है, आप इसको चिकन के साथ भी खा सकते हैं। अब ये हमारी जो सॉस है वो रेडी हो चुकी है, मैंने स्टोव बंद कर दिया है।
अब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये गल गया है और अंदर इसका ये टेक्सचर आता है, ये ब्लड नहीं होता है, ये कच्चा नहीं होता है, इसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। कितना देखें, मैंने सिर्फ थोड़ी देर ही इसको 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। अब देखें, अब इसको यकीन करें खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं सॉस और बहुत लाजवाब बन के ये निकला है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं ऐसी तरीके से इजी रेसिपीज़ के साथ, आसानी से बनने वाली। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।